नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहरी तेजस्विनी और युवा जैसी योजनाओं के तहत जिन लोगों ने बेहतरीन काम कर दिल्ली पुलिस की सहायता की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को संदेश देकर जागरूक करने की भी की गई कोशिश। राजधानी दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिले के पीतमपुरा इलाके में सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी थाने के SHO मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के तौर पर भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि समाज के 2% लोगों ही असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण के लिए हम समाज के 98% लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसके लिए हम कम्युनिटी पुलिसिंग की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है और पुलिस को लेकर उनके मन के भय को समाप्त करना है। पीतमपुरा स्थित राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली पुलिस के मुखिया ने कहा कि पुलिस को लेकर लोगों के मन में भले ही डर रहता हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब घर परिवार समाज में कोई आपत्ता स्थिति पैदा होती है, हम सभी सबसे पहले मदद के लिए पुलिस को ही याद करते हैं, जिसका प्रमाण हमने कोविड काल में देखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए कोरोना संक्रमितों के लिए दवा ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर शमशान घाट तक हर संभव मदद पहुंचाई, जिसकी लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत DCP उषा रंगनानी ने किया और उन्होंने युवा प्रहरी तेजस्वी जैसी योजनाओं के जरिए से अपराध पर लगाम लगाकर सुरक्षित माहौल पैदा करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बीते दिनों में जिन लोगों ने युवा प्रहरी और तेजस्वी जैसी योजनाओं के जरिए अपराध पर लगाम लगाने में दिल्ली पुलिस का सहयोग किया है, उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर इस तरीके की योजनाओं में हिस्सा ले और आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाएगी? आए दिन टेरर अलर्ट आ रहे हैं। दिल्ली में जो अभी त्योहार का सीजन है, उसको हम लोग ने हैंडल करने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियां की हैं और जिस तरह के अलर्ट्स हमारे पास हैं उसको ध्यान में रखते हुए एंटी टेररिस्ट मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं। चेकिंग चलती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, खास करके पीक आवर्स में बाज़ारों में या रास्तों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रीफली स्पीकिंग, पुलिस डोमिनेशन सड़कों पे और उन इलाकों में जहाँ पे क्राइम होने की संभावना है वहाँ पे बढ़ाया गया है और हमारे अधिकारी, ऊपरी अधिकारी भी पेट्रोलिंग करते हैं, जवान भी करते हैं और पूरी मुस्तैदी से हम हैं। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या मूवमेंट होता है तो उसको ध्यान में लेके अप्रोप्रिएट काउंटर एक्शन लिए जाते हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सर भीड़ भाड़ वाले। कोविड प्रोटोकॉल का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती नुसरत हसन जी, श्री सतीश खोलचा जी, श्री वीरेंद्र चहल जी व उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों गणों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित होकर आपने हम सबका हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी गणों व अतिथि गणों व मीडिया से आए हमारे साथियों का भी स्वागत करती हूँ। सर, आज इस कार्यक्रम का विषय है सुरक्षा से विकास। मेरा ऐसा विश्वास है कि सुरक्षित समाज ही उन्नत समाज प्रदान कर सकता है। समाज बनता है आने वाले भविष्य के निर्माता युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से व बुजुर्गों से। सुरक्षित महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं से एक विकसित समाज की कल्पना साकार होती है। समाज में नागरिकों को सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण मुहैया कराना ही पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस अपने इसी दायित्व को पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निभाते हुए सामाजिक सुरक्षा को सुचारू रूप से लागू करने व क्षेत्रवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में
पूरी शिद्दत से कार्य कर रही है। एक पुलिस अधिकारी के लिए नागरिकों की सेवा व उनके कल्याण के लिए योगदान देने के अवसर अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक होते हैं। सर, सुरक्षा की भावना को सतही रूप में अमल में हमारे बच्चे खेलते हैं, वे पार्क व गलियां सुरक्षित हों, बच्चों का ज्ञान वितरण करने वाले स्कूल व कॉलेज सुरक्षित हों, युवाओं को रोजगार देने वाले व्यापारिक व व्यावसायिक संस्थान सुरक्षित हों, जिस स्थान पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा मौजूद रहें वो हर स्थान सुरक्षित हो।